हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा लेटेस्ट अपडेट जो प्रोवाइड की गई है। यानी कानपुर यूनिवर्सिटी ने अभी अभी रिजल्ट को लेकर एक न्यू अपडेट प्रोवाइड की है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जब भी रिजल्ट आपका अपडेट हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब बात करते हैं हम इन्फॉर्मेशन की, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल साइट पे प्रोवाइड की गई है। जैसे गाइज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कानपुर यूनिवर्सिटी यानी CSJM यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, ट्विटर अकाउंट है, जिसपे इन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि CSJMU द्वारा हाल ही में संपन्न हुए वार्षिक NEP सेमेस्टर परीक्षा में BCOM, MCOM और BSc के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। ये तो सभी को पता है कि BCOM, MCOM और BSc के जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दिए गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई शिकायत हो तो प्राचार्य से संपर्क कर सकता है। गाइस, इस टाइम अगर हम बात करें तो जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जैसे BCOM, MCOM और BSc वालों का रिजल्ट आ गया है, तो इन लोगों के रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरे रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है, मुझे कम मार्क्स मिले हैं या मुझे प्रैक्टिकल के कम मार्क्स मिले हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, यानी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है बच्चों को अपने रिजल्ट का। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी के बिहा पे कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट प्रोवाइड की है कि अगर किसी भी बच्चे को रिजल्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपने नंबर से, तो क्या कर सकता है, अपने कॉलेज में जाए। उसके बाद वहां से एक गूगल फॉर्म, यानी आपको लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी प्रॉब्लम है रिजल्ट को लेकर, उसमें मेंशन करनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी जो आप भी जो आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे, जो इंफॉर्मेशन बताएंगे वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि हाँ आपका जो जेन्युइन रीज़न है, यानी आपका जो रीज़न है या आपका कोई भी प्रॉब्लम हो वह एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्सिटी उस पर कार्रवाई करेगी, उस पर फोकस करेगी, आपके रिजल्ट्स को अपडेट करेगी, फिर से अपडेट किया जाएगा सारी चीज़ें एक बार एनालाइज करने के बाद। तो जिन लोगों का भी रिजल्ट आता है, प्लीज़ अपने रिजल्ट को अच्छे से चेक करें। कोई प्रॉब्लम है अपने कॉलेज जाएँ, अपने प्रिंसिपल से या टीचर से संपर्क करें। आपको या तो गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, उसका लिंक, अच्छे से लिंक को, उसको गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उसके बाद यूनिवर्सिटी को सेंड कर दीजिए। जो बच्चे नहीं करेंगे, गूगल फॉर्म नहीं फिल करेंगे, उनका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो तुरंत ये काम जरूर कर लें। बाद में ना सोचे कि अरे कोई नहीं कर रहा हमारे साथ, कोई बच्चा नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा, तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं सेटिस्फाइड है, रिजल्ट को लेकर प्रॉब्लम है, तुरंत इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करें, क्योंकि जो एक्शन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही लिया जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। तो ये सारी गाइड्स इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो मैंने आपको बता दी। और एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ी चुकी है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और रिजल्ट आपका 31 तारीख से पहले ही पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो डेट है वो कई बार एक्सटेंड हो चुकी है। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, तो आप परेशान ना हो, आपका रिजल्ट जल्द ही पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन एकदम टाइम पर मिल सके। थैंक यू।